नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वह दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिले के कुटरू से संबंधित है। दरअसल इस कहानी का संबंध पूरे बस्तर के उस दौर से है जब नक्सलवाद के विरोध में सलवा जोड़ुम आंदोलन आरंभ हुआ था। नक्सलवाद से हर कोई परिचित है, अधिकांश उसे व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन मानते हैं तथा कुछ उसे आतंकवाद भी। ठीक उसी तरह नक्सलियों के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा शस्त्र लेकर खड़ा किया गया एक आंदोलन था सलवा जुड़ुम, जिसका विरोध हुआ। इसके विरोध में इस देश की अनेक मानवाधिकार संस्थाएं आईं, जिनका यह तर्क था कि ग्रामीणों को हथियार लेकर खड़े होने का कोई अधिकार नहीं। यह अलग बात है कि उनके विरोध में खड़े हुए लोग बंदूक लेकर उनकी निरंतर हत्या कर रहे हैं। सलवा जुड़ुम एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें महेंद्र कर्मा पहले पहल सम्मिलित हुए। उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसके पश्चात यह आंदोलन व्यापक हुआ, लोगों ने नक्सलियों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए और जब यह सशस्त्र आंदोलन हुआ और उसे सफलता मिलने लगी तब तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार को यह लगा कि शायद नक्सली उन्मूलन का यह बेहतर रास्ता है, तो उन्होंने उन आदिवासियों को भी शस्त्र प्रदान करना आरंभ किया जो नक्सलियों के विरुद्ध सीधी लड़ाई लड़ रहे थे। जब तक नक्सली हत्याएं कर रहे थे, जब तक नक्सली लोगों को मार रहे थे, जब तक नक्सली बारूदी सुरंगों का विस्फोट कर रहे थे, तब तक इस देश की मानवाधिकार संस्थाएं सो रही। लेकिन जैसे ही उनके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हुआ, हमारे देश की कई जागरूक बौद्धिजीवी संस्थाओं के आंख खुल गए। उनके तीसरे नेत्र होते हैं, वो कब कहां और कैसे खुलने हैं उनका भी एक जरिया, माध्यम और एजेंडा। बहरहाल बात सलवा जुड़ुम या ठीक है, दोनों ओर से जब शस्त्र उठे तो बस्तर के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि बाहर से आए नक्सलियों, बाहर से आए का अर्थ यह है कि ज्यादातर छत्तीसगढ़ के भीतर काम करने वाले नक्सलियों में आंध्र कैडर के लोग हैं। इनके बौद्धिजीविक थिंक टैंक दिल्ली, कलकत्ता वगैरह वगैरह से हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल केवल यहां सुरक्षित आश्रय पाने के लिए और केवल यहां मरने वाले लोगों की छातियां हासिल करने के लिए होता है। बहरहाल सलवा जुड़ुम आंदोलन को कमजोर करने के लिए निरंतर प्रयास हुए। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा आदिवासियों को शस्त्र दिया जाना गलत है, इस तरह इस आंदोलन को इसी समय इसी क्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सलवा जुड़ुम आंदोलन समाप्त करवा दिया गया। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि सलवा जुड़ुम आंदोलन जब समाप्त हुआ तो उसके बाद बस्तर में क्या हुआ? शांति हो गई होगी, मानव अधिकार के झंडे बुलंद हो गए होंगे, हत्याएं बंद हो गई होंगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति समाप्त हो गई होगी, सफेद झंडा लेकर नक्सली यत्र तत्र दौड़ रहे होंगे, यही हुआ होगा ना? इसीलिए तो इस देश की मानवाधिकार संस्थाएं इतनी सक्रिय हुई थी। फिर क्या हुआ जब सलवा जुड़ुम आंदोलन बंद हुआ? तब वे आदिवासी जिन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध हथियार पकड़े थे वे निहत्थे हो गए और नक्सली दुगनी ताकत के साथ अपने विकराल रूप में सामने आ गए। उन्होंने एक एक कर उन लोगों को पहचाना जो सलवा जुड़ुम के साथ जुड़े हुए थे और सबकी निर्मम निर्दयता से हत्याएं कर दी। ये हत्याएं रोज रोज लगातार लगातार हो रही हैं, लेकिन इस देश की मानवाधिकार संस्थाएं, इस देश का बौद्धिजीविक थिंक टैंक चुपचाप खामोश रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहरी नक्सलवाद शब्द की विभीषिका को अब भी हम और आप समझने के लिए तैयार नहीं है। दुर्भाग्य से बस्तर की नियति हत्या और हत्या ही है। एक और बात है जिससे बस्तर क्षेत्र को पहचान मिली है, हत्यारी विचारधाराएं मुर्दों के स्मारक दर स्मारक बनाती चलती है। जैसे ही आप घने जंगलों के भीतर प्रवेश करेंगे, लाल लाल स्मारकों के झुंड दर झुंड आपको देखने को मिलेंगे और सबके नीचे कामरेड फलाना, कामरेड ठिकाना आपको नजर आएगा। ये सब स्मारक उन नक्सलियों की स्मृति में बनाए गए हैं जिनकी मृत्यु पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए या अन्यान्य कारणों से हो गई है। लेकिन सलवा जुड़ुम के कार्यकर्ता, उनकी स्मृतियां? हाँ,
कुडरू के पास एक स्मारक है जो सलवा जुड़ुम की स्मृति में बनाया गया था। चलिए इसी बहाने सलवा जुड़ुम आंदोलन स्मृतियों में ही सही जीवित है, इसी बहाने एक स्मारक ऐसा तो है जो सलवा जुड़ुम आंदोलन के कारण मारे गए आदिवासियों को याद रखने में हमारी सहायता कर सकता है, जो इतिहासकारों को समय पर्यंत यह बताता रहेगा कि केवल लाल स्मारक नहीं इस सफेद स्मारक की भी बात की जाए। हां, सलवा जुड़ुम का जो स्मारक कुटरू के पास बनाया गया है वह सफेद रंग का स्मारक है। यह स्मारक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसमें 6 समानांतर फलक हैं। सभी 6 फलक अपने शीर्ष पर एक साथ जुड़कर शंकु का आकार इसे देते हैं। सलवा जुड़ुम के इस स्मारक पर जो तिथि अंकित की गई है वह है 4 जून 2005। बस्तर का चप्पा चप्पा मेरा घुमा हुआ है। मैंने तरह तरह के मृतक स्मारक देखे हैं। मैंने परंपरागत मृतक स्मारक देखे हैं जो पत्थरों के बने हुए हैं। मैंने वे स्मारक देखे हैं जो अत्यधिक महत्व के हैं और काष्ठ निर्मित है। मैंने वे स्मारक देखे हैं जो समय के बदलाव के साथ सीमेंट के बन गए हैं। मैंने वे स्मारक देखे हैं जिनमें आधुनिकीकरण का समावेश हुआ है और मृतक का चेहरा भी उनमें लगाया जाने लगा है। मैंने वे स्मारक भी देखे हैं जो नक्सलियों को याद करने के लिए विशेष तौर पर बनवाए गए हैं। लेकिन सलवा जुड़ुम के शहीदों की स्मृति में पूरे बस्तर में यह एकमात्र स्मारक है, इसलिए यह अत्यधिक महत्व का है। सौभाग्य समझिए कि सलवा जुड़ुम आंदोलन की स्मृति को जीवित रखने के लिए कम से कम एक प्रतीक तो उपलब्ध है। यह कहानी बहुत पीड़ा के साथ मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।